हेलो गाइस, आज कन्नू सबसे पहले उठ गया है। खुशी की वीडियो आजकल मैं ही शुरू करती हूँ रोज, क्योंकि खुशी सोई होती है। अभी तक सो रही है। टाइम हो गया 12 बजने वाले हैं, पता नहीं आपको दिख रहे नहीं दिख रहे। बस कन्नू सबसे पहले उठ गया है, रिया सोई पड़ी है, अभी तक खुशी सोई हुई है। अब कन्नू खाएगा, नाश्ता करेगा कन्नू, आलू की परौंठी। और मैं तो फ्री हो जाती है तो मैं गुरबानी सुनती हूँ। मेरे को ये रिंकू जी महाराज की गुरबानी बहुत अच्छी लगती है, यही चलती है सुबह हमारे घर में। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया आज सुबह। इसके पापा चले गए हैं, मैंने बनाई है आलू पूरी। ये मैंने बना दिया आलू, खुशी का काम कर दिया मैंने, बन गया है हमारा। और मैंने रिया की सफाई भी कर दी है। चलो, रिया तो वैसे भी काम नहीं करती आजकल। और बनाऊंगी मैं आलू के परौंठे। दूर बहुत सारा बच जाता है गाइस हमारे घर में आजकल, क्योंकि दुकान बंद हो गई है हमारी। तो मैं आलू का परौंठा बनाऊंगी कन्नू के लिए। दही भी रख दिया मैंने, कन्नू खाएगा आलू का परौंठा। और मक्खन नहीं है बस मेरे पास, अब कन्नू लाएगा मक्खन। तो बनाते हैं आलू के परौंठे। अभी मैं उठ गया था और आज मम्मी बना रही है दोपहर के लिए है आलू पूड़ी, सुबह के लिए है आलू परांठे। बता दिया मैंने, क्या बता दिया? मैं आज आलू पूड़ी बना रही हूँ, आलू के परांठे। हाय 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 हाय, ओए ओए, साथ में बनाई मम्मा दोपहर के लिए आलू पूड़ी के साथ खीर। अभी कितनी अजीब सी लग रही है, दूध तो बच जाता है। यार क्या शक्ल लग रही है, ये रिया को दे दो अगली मेरी। पहली परौंठी में दिया है रिया को, अब मेरी बारी है। मेरी क्रिस्पी कर दो, क्रिस्पी तो आएगी और कैसे बनाऊं। अभी थोड़ी 2 मिनट और करो, घी लगाओ, क्रिस्पी करो। एक दिन तो गिराते हो हफ्ते में आलू परौंठे। अच्छा अच्छा, क्या बताओ किराए आलू के परांठे अलग होते हैं। वो दिन रात आलू परांठे 24 घंटे परांठे खाता है और रात से कह रहा है। मैं जा रहा हूँ अंदर, दूसरी भी ले आना अलग, दूसरी छोटी प्लेट में आए। और तो नहीं लेगी, तो सबसे पहले हम लोग घर से तैयार होके लेगी। अब मैं अभी यार मैंने खा लिए आलू के परांठे, इतने स्वाद बनाए थे मम्मी ने। कैसे लगे? इतने अच्छे थे कि मैंने 2 खा लिए। आलू पूड़ी खाएंगे 2:30 बजे, अभी 2 घंटे हैं। 2 घंटे हैं। इतनी स्वाद बनाई थी, चाय भी पी रही है मम्मा और रिया। उठ जा कुछ ही देर। ये हमारा हमारा जानवर भी उठ गया है, हमारा जानवर उठ गया है। हाँ जानवर, हमारा जानवर उठ गया है, अब इसको वॉक पे ले जाएंगे। है चल चल वॉक पे चले, चल खुशू वॉक पे चले। जानवर खुश हो रहा है, खुश हो रहा है मालिक की बुलाने पे। अबे चल, मैं आ गया नानी घर से, नानी को आलू पूड़ी देखे। और नानी मेरे लिए 500 रुपए रेडी करके बैठी थी कि मैं इतनी धूप में आया देने, ऐसा धोता सबको मिले। अभी अंदर चिढ़ाती देख, खाना देने जाने के। अबे चल, तूने बनाया? मम्मी ने बनाया। अबे चल ले, अपनी मेहनत क्या है धूप में जाने के। ये क्या है फिर? नानी रेडी करके बैठी थी 500 रुपए, 500 खुशी है, 500 मेरे, पर मैं नहीं दूंगा। तो आज हमारी मूवी ऑफ द डे है सिंग इज किंग। इतने सालों के बाद देखी है ना, और इतना नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है। जो भी 2000 की मूवीज थे आजकल हम सारी को देख रहे हैं, क्योंकि अच्छी मूवीज तो बॉलीवुड में बनती नहीं है, इसलिए पुरानी मूवीज देख रहे हैं। कितना मजा आता है, करोड़ों बार देखी होगी ये मूवी हमने, फिर भी अभी उतना ही मजा आता है वापस देखने में। सब देख रहे हैं बैठ के सिंग इज किंग, पर एक कन्नड़ नहीं देख रहा है, इसको कोई शौक नहीं है मूवी देखने में। देख लिया अगर, बड़ी अच्छी मूवी है ये। मैं तो मम्मी को कह रही हूँ इसके बाद मुझसे शादी करोगे, देखेंगे। मम्मा देखती नहीं है,
मम्मी आपको सलमान खान पसंद नहीं है क्या? आजकल मैंगो बाइट चल रही है घर में बहुत ज्यादा, कच्चा मैंगो बाइट इतने रोज ये थोड़ी थोड़ी खाते रहते हम लोग। तो खुशी क्या कर रही है? बैग टांग के झाड़ लगा रही है ताकि इसकी एक्सरसाइज हो। मैं पहले बैग टांग के सीढ़ियां चढ़ रही थी पर झाड़ू लगा रही हूं तो ये गंध था सीढ़ियों में। बैग टांग के ऊपर नीचे चढ़ेंगी सीढ़ियां ताकि इसका वेट कम हो। आज संडे यार, जिम नहीं जाना है इसलिए बोलता हूं। इसका जो पेट भार है वो अंदर हो जाए ताकि ये समाज में अपने आप को शर्मिंदा ना रहे। मैं तो छोटा हूँ अभी, कर लूंगा मैं। तू 22-23 साल की है, 25 साल की तू। अगले साल शादी है, इसकी पेट भार है इसका, बताओ। चल चल जल्दी कर, मम्मी आ गई। मम्मी किचन साफ कर रही है, बेटी सीढ़ियां साफ कर रही है और एक लेटी हुई है। चल चल कर कर चल, उश उश उश। अब हम लोग जा रहे हैं आज बाहर खाना खाने, मतलब अपने पैसों से पिकनिक जा रहे हैं हम अपने पैसों से इतने टाइम बाद। और पापा नहीं आए क्योंकि पापा और खुशी की होगी तो लाई। खुशी पापा को बोल के मार दी, पापा ने खुशी के हाथ में खुशी का ही फोन मार दिया तो वो उसकी लग हड्डी पे लग गया। ओ अब पहुंच गए हैं इमली, क्योंकि पिकनिक पे तो बहुत ही रश था। इमली पिकनिक पे तो बहुत रश था, वहाँ पे तो वेटिंग में थे तब कि हम यहाँ आ गए। अच्छा रेस्टोरेंट है। खुशी का बर्थडे हमने बनाया था एक बार इमली में ना खुशी, पर हम गए थे तिलक नगर वाले में ना, तिलक नगर वाले में गए थे। खाना बहुत गर्मी लग रही है यार, देखते हैं क्या खाने को मिलेगा यहाँ पे। गया खाना हमने मंगाया, दाल मखनी और नान रोटी। हम बाहर जाके हमेशा स्नैक्स ही खाते हैं, आज हम इंडियन भी खाते हैं पर आज सिर्फ इंडियन खा रहे हैं। मम्मी को देखो रुक नहीं सकता। अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ, खुशी मेन्यू देख रही थी, उसमें गोलगप्पे लिखे हुए थे 145 के 10 पीसेस, तो कहती सस्ते तो है 4.5 रुपए के एक है बस। बताइयो 4.5 रुपए क्या हुआ, 4.5 × 10 क्या हुआ ये बता, 4.5 × 10 क्या हुआ, 145 के हैं गोलगप्पे। अब बता कितने का एक, 14.5 मिल आ गया। अब हम जाएंगे घर, घर बोरिंग डे। आ गया घर अपने राजा पार्क चौक पे और रिया हमें खिला रही है आइसक्रीम की सैंडविच, छोटी सी है। कहाँ घर, अब सब सो जाएंगे, पापा तो पहले ही सो चुके हैं, हम घर आए सो रहे पापा, मम्मी अब सोने लगी है, ये भी सो जाएगी, रिया बाहर है, मैं तो भी गेम खेलूँगा। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ ठीक है भैया।